तो पावागढ़ के लिए आप यहाँ से आते हो और यहाँ से चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ने के लिए यहाँ से, और भद्रकाली मंदिर की आने के लिए यहाँ से है। तो 1 किलोमीटर जितना चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी गंदगी है, पब्लिक आती है कचरा फेंक कर चली जाती है और ये ऐसे ही रहता है, साफ़ नहीं होता है। एक तरफ आप माँ के दर्शन के लिए आते हो और उनका ही घर बर्बाद करके जाते हो गंदगी करके। सुधरो यार। वहाँ पे पावागढ़ है मंदिर, तो कितना गंदगी है यहाँ पे, मतलब आप पुण्य नहीं पाप कर कर ही जाते हो आप। तो ये फोर्ट की पुरानी दीवार है, अभी टूटा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग ही आते हैं क्योंकि सब लोग रोपे से और सीढ़ी से उस साइड से ही चले जाते हैं और ये थोड़ा दूर गिर जाता है, अलग गिर जाता है, तो ज़्यादातर कोई यहाँ पे आता ही नहीं है। बढ़िया खूबसूरत सा व्यू मिल रहा है यहाँ पे। तो फोर्ट का कुछ हिस्सा यहाँ पे अभी खंडर हो चुका है, टूट चुका है पूरी तरह से। मंदिर पहुंच चुके हम लोग।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते ज्वाला कराल मृत्युगम सहिसा सुरसुदनम त्रिशूलम पातु नो बीते भद्रकाली नमस्तुते। माँ भद्रकाली ए महाकाली नु एक कल्याणी स्वरूप है। पावागढ़ जेवी रीते महाकाली जे है एवी रीते आंगड़ी भद्रकाली एक जुदी टेकरी अस्तित्व में है। जेवी रीते श्रीनाथ जी ए भगवान कृष्णनु स्वरूप है, रणछोड़ जी ए पण भगवान श्रीकृष्णनु स्वरूप है, एवी रीते काली अने भद्रकाली ए बे माँ दुर्गाना स्वरूप है। एक माँ रौद्र स्वरूप है, बीजू माँ कल्याणी स्वरूप है। बेमा कोई फेर नहीं, બેમાં કોઈ ભિન્નતા નથી। માતાજી એક છે, સ્વરૂપ અનેક છે। देख सकते हो कब से तूफान आ रहा है यहाँ पे, 10-15 मिनट से तूफान आ रहा है। बंद भी नहीं हो रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।